नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं टेक इंडिया डिफेंस टॉक के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में कुछ नया तरह का डिफेंस न्यूज के बारे में बात करूंगा। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहले न्यूज की बात करें तो इंडियन राफेल और चाइनीज J20 फायर रेट के तब से आता। फ्रेंड, चाइनीज एक्सपर्ट का जब से फिलहाल दावा किया जाता चाइनीज J20 फाइटर जेट राफेल से ज़्यादा सुपीरियर फाइटर जेट है। फ्रेंड, चाइनीज एक्सपर्ट के तरफ से फिलहाल बताया जाता है राफेल एक 3++ जनरेशन का फाइटर जेट है और राफेल का यही से रडर J20 से स्टेल्थ फाइटर जेट को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। चाइनीज एक्सपर्ट के तरफ से फिलहाल ये भी बताया था चाइना का PL-15 जो एयर टू एयर मिसाइल है वो मीटियोर मिसाइल से अच्छा मिसाइल है और उससे ज़्यादा डेडली मिसाइल है। फ्रेंड, ये भी बताया था चाइनीज एक्सपर्ट के तरफ से राफेल अफगानिस्तान, लीबिया, इराक जैसे पोर्ट बॉम्बिंग के लिए जाना जाता है। चाइनीज एक्सपर्ट कैसे ही सब बताए थे मुझे एकदम समझ में नहीं आता। राफेल की बात करते हैं, 3++ जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, ये असली में एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। J20 की बात करते हैं, फुल्ली स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, इजीली इसे Sukhoi-30MK का रडार की मदद से ट्रैक कर लिया जाता है। राफेल का यही सर तो इजीली ट्रैक कर लेगा J20 से फाइटर जेट को, असली में फुल्ली स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। और जो बताया जाता है मीटियोर का तब से, तो मीटियोर मिसाइल PL-15 मिसाइल से ज़्यादा अच्छी मिसाइल नहीं है। मीटियोर की बात करते हैं, वर्ल्ड में बेस्ट रैमजेट इंजन एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। PL-15 मिसाइल तो इसका कुछ भी नहीं है। राफेल की बात करते हैं, कम से कम सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे जगह पे वॉर टेस्टेड तो है, J20 कहीं पर भी वॉर टेस्टेड नहीं है। फ्रेंड, आपको राफेल और J20 के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट पे बताएं। फ्रेंड, सेकेंड न्यूज़ की बात करते हैं, इंडियन आर्मी का T-90 टैंक का तब से आता है। फ्रेंड, आप सभी को पता होगा इंडियन आर्मी की तरफ से T-90 टैंक को लद्दाख रीजन में डिप्लॉय कर लिया गया था। फ्रेंड, आप सभी को पता होगा माउंटेन रीजन में हाई एल्टीट्यूड में हेवी टैंक को ऑपरेट करने में दिक्कत होता है, इसलिए आर्मर्ड व्हीकल लाइट टैंक ऑपरेट किया जाता है अदर आर्मी फोर्स की तरफ से। T-90 टैंक की बात करें तो इसका फायर पावर, आर्मर प्रोटेक्शन आर्मर्ड व्हीकल से बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको इजीली से आप नाइट में भी ऑपरेट कर पाएंगे। फ्रेंड, आपको T-90 टैंक लद्दाख रीजन में सही है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। फ्रेंड, इंडियन आर्म फोर्स में लाइट टैंक कितना जल्दी से जल्दी इंडक्ट होना चाहिए मुझे कमेंट पे पता है। फ्रेंड, थर्ड न्यूज़ की बात करें तो इंडियन आर्मी का आर्मर्ड व्हीकल का तब जाता है। इंडियन आर्मी के तहत सभी लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए आर्मर्ड व्हीकल को जल्दी से जल्दी आर्म फोर्स में इंडक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा था, जिसमें कि टाटा विल्ड का आर्मर्ड व्हीकल, अमेरिका स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एक कंटेंडर था। टाटा आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो इसे DRDO के तब से मिलकर बनाया गया। इंडियन आर्मी के तब से लद्दाख जैसे रीजन में जल्दी से जल्दी ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए हाई एल्टीट्यूड में रिकॉनेंस के लिए आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया था। फ्रेंड, आपको टाटा आर्मर्ड व्हीकल इंडियन आर्मी के तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था। फ्रेंड, आपको कौन सा कंटेनर इंडियन आर्मी को चूज़ करना चाहिए कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्रेंड, फोर्थ न्यूज़ की बात करो तो इंडिया का 2 VIP बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का डिलीवरी, एयरफोर्स वन का डिलीवरी इसी महीने मिलने वाला पता चला बोइंग की तरफ से। इसमें आपको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे फिलहाल ऑपरेट किया जाएगा। कंट्री का टॉप लीडरशिप फॉरेन मिशन के लिए इसे फिलहाल इस्तेमाल किया जाएगा बताया जा रहा है। ये बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट है, इसमें आपको इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और भी इंडिया का बहुत ही ज़्यादा आधुनिक आपको वेपन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इंडिया की तरफ से इसे फिलहाल एयर इंडिया का इंजीनियरिंग सर्विस लिमिट की तरफ से इसे फिलहाल मेंटेन किया जाएगा और एयरफोर्स की तरफ से फिलहाल इसे ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंड, आपको इस विमान को लेकर क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा डिफेंस न्यूज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जोर से बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर देना ऐसा आपका वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।